हेलो गाइस, अगर आप भी एआई एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। आप मोबाइल एडिटिंग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, सभी में प्रोसेस सेम रहेगा। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूं वो है कैपकट। एआई एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और वीडियो को प्ले करेंगे, एक स्क्रीन शॉट लेंगे, इसके बाद हम इमेज को क्रॉप कर लेंगे जितना ज़रूरत है। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और टाइप करेंगे app.runwayml और सर्च करेंगे। सबसे पहला वेबसाइट जो आएगा रनवे ML, उसमें क्लिक करेंगे। अपने गूगल मेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है, आपको 105 क्रेडिट फ्री मिलते हैं यूज़ करने के लिए। इसमें बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शन हैं, हमें जो ऑप्शन चाहिए इरेज एंड रिप्लेसमेंट का, हाँ ये वाला, इसमें क्लिक कर लेंगे। पेज को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए सेटिंग में जाकर डेस्कटॉप मोड को टिक मार्क कर देंगे। पेज डेस्कटॉप मोड में आ जाने के बाद स्क्रीनशॉट वाला इमेज को इम्पोर्ट करेंगे। हमें सिर्फ बाइक को चेंज करना है, तो बाइक वाला पूरा एरिया को ब्रश टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर जनरेट बॉक्स में जाकर सुपर बाइक लिख कर जनरेट में क्लिक करेंगे। थोड़ा सा समय लगता है। तो हमारे पास इमेज रेडी है और सारा डाउनलोड कर लेंगे। गाइस, मैंने पहले ही इमेज को डाउनलोड कर लिया है। आप सुपर बाइक या स्पोर्ट्स बाइक लिखकर इमेज को जनरेट कीजिए और उसे डाउनलोड कीजिए। कैपकट ओपन करेंगे और वीडियो में क्लिक कर लेंगे। सारा डाउनलोड किया हुआ इमेज को कैपकट में इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेम के साइज को बढ़ाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि काम इजी तरीके से कर सके, और इमेज को 20s फ्रेम में कट कर लेंगे और बाकी के हिस्सा को डिलीट कर लेंगे। सभी इमेज को इसी तरह से करना है। सभी इमेज को कट करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे। दोबारा कैपकट ओपन करेंगे, मेन वीडियो को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद ओवरले में क्लिक करके बाइक वाला वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। वीडियो को जहां पर चाहिए वहां ले जाकर दूसरे वीडियो के साथ एडजस्ट कर देंगे। ओपेसिटी को कम करके वीडियो के साइज को इंक्रीज करेंगे। एक बार वीडियो सेट हो जाने के बाद ओपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे। फिर मार्क्स में क्लिक करके जितना एरिया चाहिए उतना एरिया कवर करेंगे और थोड़ा सा फेदर इंक्रीज कर देंगे। कुछ इस तरह से वीडियो बनकर सामने आया है, इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिर से कैपकट ओपन करेंगे और एक्सपोर्ट वाला वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। वीडियो में कलर करेक्शन एडजस्ट करेंगे। कलर करेक्शन एडजस्ट करने के बाद इफेक्ट्स में क्लिक करके ग्लिच ऑप्शन में जाकर लास्ट में सेक वाला इफेक्ट को ऐड करेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। गाइस, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और कमेंट भी कर देना, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो फाइनल वीडियो रेडी है।